भोज में तुमको आना होगा, भोज में तुमको आना होगा। ये नगरी जोशीमठ को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जब 2009 में इनका टनल बोरिंग मशीन टीबीएम फंसा टनल के अंदर, तो पानी का रिसाव बड़ी तेजी से हुआ जोशीमठ क्षेत्र में। और पानी का रिसाव हुआ तो उसका जोशीमठ के लोगों ने, संघर्ष समिति ने एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया। और 17 मार्च 2010 को एनटीपीसी का जोशीमठ जो संघर्ष समिति है उसके साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ये समझौता हुआ कि हम पानी के लिए पैसा देंगे, ये समझौता हुआ कि हम जोशीमठ के सारे घर मकानों का बीमा करेंगे। ये समझौता लिखित में हमारे पास है, उसकी प्रति हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज कैसे मुकर रही है एनटीपीसी, जब उस वक्त उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी वजह से आपका नुकसान हुआ और हम आपके पानी की व्यवस्था के 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपके घरों का बीमा करेंगे, जो कि नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए और आज हम नहीं, जोशीमठ के लोग नहीं, देश के सारे प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक पर्यावरणविद कह रहे हैं कि एनटीपीसी की टनल की वजह से ही ये बड़ा भूदशाव जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो जोशीमठ में हो रहा है। तो इसके लिए पूरी तरीके से एनटीपीसी जिम्मेदार है। जो यहाँ पर एनटीपीसी की जो टीबीएम टनल बोरिंग मशीन जो फंसी हुई है उसको निकालने के लिए जो ये अत्यधिक ब्लास्ट कर रहे हैं, और ब्लास्ट के साथ साथ जो केमिकल डाल रहे हैं उसमें इतना पावर है कि वो पूरा जोशीमठ को हिला दे रहा है। देखिए, जो सर्वे का काम है वो पहले ही चालू हो चुका था, ठीक है, वो लगातार गतिमान भी है। और आज सुबह तक जो है हम 34 परिवारों को जो है शिफ्ट करवा चुके हैं, जहाँ पर भी सीवियरली अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पर दरारें ज्यादा आई हैं। जैसा कि सभी की नॉलेज में है ये चीज कि लगातार प्रशासन की टीमें हर घर घर जाकर सर्वे कर रही है। कल एडीएम साहब और मैंने भी संयुक्त रूप से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर भी संयुक्त निरीक्षण किया था, लोगों के घर घर गए। और आप लोगों से भी अगर जानकारी चाहें तो पूछ सकते हैं, रात 11 बजे तक मैं और तहसीलदार साहब स्वयं अपनी टीम लेकर लोगों के घर घर जाकर बात की है लोगों से। और जो लोगों के लग रहा है कि जिनके दरारें हैं उनको तो शिफ्ट करना ही है, उनको भी हमने बताया है। जिनके यहाँ पर कम डैमेज है हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हमने अरेंजमेंट्स करा लिए हैं, हमने जगह चिन्हित कर ली है, कुछ जगहों पे हमारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि आप शिफ्ट करिए, लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं। और कुछ जगह पे और चिन्हित करके हम लोग लगातार उसमें तैयारियाँ करा रहे हैं कि लोग वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। साथ ही साथ लोगों के खाने की व्यवस्था के संबंध में भी हमने ड्राई राशन किट तैयार करवा रहे हैं हम लोग, और रेडी टू ईट कुछ आइटम्स जो है वो भी उनको आज प्रोवाइड करवाएंगे हम, ठीक है। और ठंड में भी लोगों को ना, अगर जैसे मौसम जो है काफ़ी ठंडा है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम हीटर्स का भी अरेंजमेंट लोगों के लिए करवा रहे हैं। जितनी भी व्यवस्थाएँ हमारी तरफ से पूर्ण होती है हम सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमने कहा फल संरक्षण की 100 नाली जमीन है, चाहे इसके ऊपर वो ढोंडियाला बैंड तक जाने वाली 300 नाली जमीन है, चाहे वो वहाँ ऊपर 500 नाली जमीन है, उस सारी जमीन को आप देखिए। मानो सुनील वाले कोई शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए वहाँ प्रीफैब बनवाइए, यहाँ बाजार वाले कोई शिफ्ट होना चाहते हैं जो नजदीक वाले हैं यहाँ आप प्रीफैब बनाइए, 2 कमरा बनाइए, 3 कमरा बनाइए, तत्काल बना करके दीजिए। और जब ये आप बना देंगे तो फिर वो जो धर्मशाला वाला है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपना। तो ये सब व्यवस्था का आप लिखित में दीजिए, कितने दिन में ये करने वाले हैं ये हमने उनसे कहा है, वो समयबद्ध हमको लिखित देंगे तब ये हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ये बात पानी का
पर सिर्फ एनटीपीसी के विरोध में ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि एक एनटीपीसी की कंपनी के आने के बाद पूरे हमारे समूचे जोशीमठ क्षेत्र में भूदशाओं का कारण बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो चार दिन पहले इन्होंने शायद जो भी ब्लास्टिंग वास्टिंग की होगी, उसके बाद जोशीमठ सारे क्षेत्र में दरारें लगभग और बढ़ती जा रही हुई है।